आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिक 350 की ईएमआई डाउन पेमेंट के बारे में। यहाँ पर आपकी कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, क्या आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट देना होगा, कितनी आपकी मिनिमम यहाँ पर ईएमआई की हर महीने की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल लाइन के। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, तो जो हेल्सियन सीरीज है यहाँ पर स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 2,40,000 रुपीज से, एंड यहाँ पर जो है हेल्सियन ग्रे कलर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए इस बाइक को खरीदने के लिए, तो लगभग आपकी 20,000 से 25,000 रुपये प्रति महीना मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर बिजनेस करते हो तो आपकी एटलीस्ट 4 लाख रुपये की ITR होनी चाहिए पर एनम की। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड देना होता है, पैन कार्ड देना होता है, अकाउंट पे चेक देना होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होती है, एंड स्पेशली अगर आपका खुद का खरीदा हुआ घर है, अगर आप पर्सनल खरीदे हुए घर में रहते हो, तो आपको यहाँ पर बाइक फाइनेंस कराना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि आपको कितना यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट देना होगा, कितनी ईएमआई आएगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। उसके पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर सैलरी प्रूफ देना चाहते हैं तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, और अगर आप यहाँ पर इनकम प्रूफ बिजनेस की देना चाहते हैं तो आपको करंट 2 साल की ITR देनी होगी। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं, आपके फाइनेंसिस के हिसाब से, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, आपकी हर एक चीज़ के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ अलग हो सकता है, बट एक सिर्फ एग्जाम्पल के तरह ही इस एग्जाम्पल को लीजिएगा। लगभग 25% का अगर आप डाउन पेमेंट देते हो तो 2,40,000 रुपये का 25% होता है ऑलमोस्ट 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का डाउन पेमेंट देने के बाद जो लोन अमाउंट हमारे पास बच के आएगा लगभग 1,80,000 रुपये का आएगा। अगर आप 1,80,000 रुपये का लोन लेते हैं 5 साल के लिए 8% पर एनम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो जो आपकी ईएमआई आएगी पर मंथ की, जो कि आपको 60 महीनों तक देनी होगी, वो आएगी लगभग 4,200 रुपये, मतलब 4,200 रुपीज़ की आपकी ईएमआई आएगी इफ़ यू टेक लोन ऑफ ऑलमोस्ट 5 ईयर्स एट 8% पर एनम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इफ़ द लोन अमाउंट इज़ 1,80,000 रुपीज़। यहाँ पर अब बाइक के बारे में बात करूँ तो मेरे हिसाब से डेली कम्यूट के लिए, ऑफिस जाने के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर संडे राइड्स करते हैं, ट्रैवल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शानदार एक प्रैक्टिकल मशीन है इंडियन मार्केट के लिए। रॉयल एनफील्ड के द्वारा बनाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन मार्केट में। इंजन मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, 349cc का यहाँ पर जो इंजन है, बैलेंसर शाफ्ट वाला, काफ़ी अच्छा आपको स्मूदनेस भी देखने को मिलेगी इस न्यू इंजन के अंदर। ऑलमोस्ट 20.2 ब्रेक हॉर्स पावर पंप आउट करता है इस बाइक का इंजन, और 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पंप आउट करता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा साइड एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, रियर में आपको कंप्लीट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सी टेल लाइट और बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट 13 लीटर्स का आता है इस बाइक का, लगभग 35 किलोमीटर पर लीटर का ये बाइक माइलेज दे देती है, और यहाँ पर टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 114 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड बाइक दे देती है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रोम रेड आपको देखने को मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कलर है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 2,65,000 रुपये का ऑन रोड पड़ता है। यहाँ पर कलर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बट जो मैकेनिकली बाइक है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेम है, ऑलमोस्ट सारी बाइक सेम है, बट यहाँ पर जो है सिर्फ डार्क सीरीज है उसके अंदर आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, बाकी सारी बाइक्स में यहाँ पर जो है बाकी सारे वेरियंट्स जो है यहाँ पर उसमें स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। ये है मार्स ग्रे, सिग्नल सीरीज का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है, मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगती है सिग्नल सीरीज, बहुत डिफरेंट वाली देखने को मिलती है। यहाँ पर बाइक के बारे में थोड़ा बहुत और बताऊं तो इस बाइक के अंदर जो है मेक योर ओन वाला भी फीचर आता है, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमाइजेशन ऐड करके एक काफी बढ़िया सी बाइक बना सकते हैं। ये एक सिग्नल सीरीज है, इसके अंदर स्पोक व्हील्स आते हैं, बट मेक योर ओन में आप इसमें अलॉय व्हील्स भी लगवा सकते हैं। एक क्लासिक 350 का जो हेल्सियन सीरीज़ है, यहाँ पर हेल्सियन ग्रीन भी काफ़ी बढ़िया आती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस बाइक के अंदर आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS दोनों वेरिएंट्स आते हैं। 100x90 सेक्शन का फ्रंट टायर आता है, 120x80 सेक्शन का रियर टायर आता है, 19 इंचेस के फ्रंट स्पोक व्हील्स आते हैं, 18 इंचेस के रियर स्पोक व्हील्स आते हैं, 300mm का फ्रंट डिस्प्रेक आता है, 270mm का रियर डिस्प्रेक आता है, तो ब्रेकिंग जो है काफ़ी बढ़िया है। अगर आप थोड़ा सा तेज चलाते हैं बाइक तो मेरे हिसाब से आपको डुअल चैनल ABS के साथ जाना चाहिए, बट अगर आप नॉर्मल धीरे बाइक चलाते हैं, मतलब 80 से 100 की स्पीड पे, तो आप सिंगल चैनल ABS स्पीड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ भी जा सकते हैं। ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी बढ़िया लगती है काफी सारे वेरिएंट्स की, बट यहाँ पर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में बात करूँ तो मेरे हिसाब से हेल्सियन सीरीज ही है, स्पेशली ये हेल्सियन ग्रे जो है, दिस लुक्स रियली प्रीमियम, एक बहुत डिफरेंट कलर लगता है, बहुत ही प्रीमियम, एक काफी एक्सपेंसिव कलर यहाँ पर देखने को मिलता है, ये वाला काफी अच्छा एक्सपेंसिव लुक देता है। मुझे पर्सनली यहाँ पर हेल्सियन सीरीज में सबसे बेस्ट कलर यहाँ पर हेल्सियन ग्रे ही लगता है। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा शानदार कलर कौन सा है पूरी क्लासिक 350 के लाइनअप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, एंड स्पेशली आपको यहाँ पर क्लासिक 350 कैसी लगती है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकल मशीन है, बिकॉज ऑफ अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस,
और जो इस बाइक के अंदर आपको कंफर्ट देखने को मिलता है वो तो सबसे ज़्यादा शानदार बात है ही। बाकी माइलेज अच्छा है, सर्विस कॉस्ट कम है, इजी टू मेंटेन बाइक है एंड ओवरऑल जो यहाँ पर फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में भी तो मुझे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, लिख क्या है @throttle_98 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक फॉर मेकिंग पावर डे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।